हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर रोज आपकी यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नेम है कोडिंग डिकोडिंग। और ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो एक बारी आप लोग सारे जल्दी से जल्दी यहाँ पे जुड़ जाएं। आज जो हमारा यहाँ पे सेशन रहेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस ही यहाँ पे ज़्यादा करेंगे। तो मैं भी इस सेशन को एक बारी आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लेता हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग भी इसे यहाँ पे क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चा हर रोज तैयारी करता है वो अपने आप ही यहाँ पे जुड़ जाएगा और अपनी तैयारी को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। तो जल्दी से जुड़िए ताकि आज की इस क्लास को हम आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएं। क्योंकि मेजर आज जो रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस, आज जो रहने वाला है वो है प्रैक्टिस, है ना। तो मैं देख भी रहा हूँ कुछ बच्चे जुड़े भी हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपना अपना कमेंट भी हमें साझा कर सकते हैं ताकि हम आपकी बातों को यहाँ पे देख भी पाए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, चलिए। तो आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस बेस्ड है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। तो जल्दी से आप लोग अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर लीजिए। चलिए, तो इस सेशन को मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए क्लास। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके कमेंट जो है मैं यहाँ पे देखता रहूँगा, और जो भी आप लोग कमेंट करेंगे वो मेरे को यहाँ पे दिख भी जाएंगे, और उसका मैं यहाँ पे रेगुलर आंसर भी करता रहूँगा। चलिए क्लास, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो सेशन है वो आपका थ्योरी नहीं होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे करिए। आज का जो सेशन है वो पहला जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करता हूँ क्या है, एक्टिव ACTIVE। आपके पास ये इसका कोड क्या लिखा है, AVITCE। अगर मैं बात करता हूँ ये है, और आपको ये बताना है हाउ विल बी डॉक्टर बिकम, डॉक्टर जो है वो कैसे लिखा जाएगा। तो DOCTOR आपके पास यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए ई। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो था सेम, पहला और आखिरी जो है उसी जगह पे है जहां पे वो पहले था। अब आगे अगले वैल्यू को चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है वो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे इंटरचेंजिंग हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है लास्ट वाला उठ के, मतलब रिवर्स पैटर्न भी यहाँ पे चल रहा है। तो क्या होगा, डी और आर तो वहीं पे रहेंगे, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे टी सी ओ। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ओ टी, डी ओ सी, डी ओ सी नहीं चाहिए, डी ओ टी आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जो है बनना है। चलिए क्लास, जल्दी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लेके आ रहा हूँ। आप लोग इसे शेयर करिए, और आप लोग जल्दी से आंसर करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, PINK का कोड है आपके पास MLKN 16, 9, 14, 11, 13, 12 and 11 and 14, और किसका है, रोज का, ROSE 18, 15, 19 and 5। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे सीना सक्सेना, ठीक है जी, फोर, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या आंसर बनेगा और कैसे यहाँ पे आंसर बनेगा। अगर मैं देखता हूँ 16 से 13 आया है तो क्या हुआ है, तो वो 16 से 13 पे -3 हुआ है, 9 से 12 पे +3 हुआ है, 14 से 11 पे -3 हुआ है, आगे फिर से +3 हुआ है।
अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, -3 + 3 - -3 + 3 का जो लॉजिक है वो लगाया गया है। अब अल्फाबेट के पोजीशन आपको याद होने चाहिए, तभी आप लोगों का ये जल्दी बन पाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या था, -3, 18 में से 3 गए, कितना बचता है 15, आगे था 15, 3 ऐड कर दिए 18, 19 था 3 गए 16, 5 + 3 = 8, तो यहाँ पे O, यहाँ पे R, यहाँ पे P और यहाँ पे H, ठीक है, O R P H, तो O R P H, वेरी गुड, यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ये आंसर आपका फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड, यहाँ पे यस आई एम डूइंग वेरी गुड, स्नेहा कर रही हैं, स्निग्धा भी कर रही हैं, और ये जो सेशन है कल आपने शायद हमें कहा था, मेरे को याद है कि आपके लिए एएफ कैट का सेशन लाया जाए तो ये एएफ कैट में भी आपकी यहाँ पे मदद करेगा, तो इस वजह से हमने आपके लिए वो भी यहाँ पे लाया है, क्योंकि ये जो टॉपिक कॉमन टॉपिक है जो कि लगभग एएफ कैट आपका एमएनएस हो गया, इन दोनों में जरूर देखा जाता है, CDS में कम आता है, CDS में रीजनिंग एक्चुअल में नहीं आता है, बट अगला जो सेशन है वो है साइंस का, तो साइंस आपके हर पेपर में आता है, तो वो भी आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि साथ के साथ ही क्लासेस हम लोग शेड्यूल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, सेल्डम, SELDOM इज रिटन एज MFTLNC, PRINCE, ठीक है जी क्लास, अब मैं यहां पे बात करता हूं। हाँ जी लक्ष्मी पूछ रही हैं कि कैसे होगा बच्चे, अभी तक ऑफिशियल, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे ही वो रिलीज हो जाएगा देन वी टेल यू कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द एमएनएस, ठीक है, वी आर आल्सो वेटिंग द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, जैसे ही वो रिलीज होगा वी डेफिनेटली टेल यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ विल यू प्रिपेयर, ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड नॉट टू बरी एंड यू नीड टू कंटिन्यू, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है, आपको कुछ और नहीं सोचना है, जो आप कर रहे हैं बस उस पर कंटिन्यू करिए, ठीक है, ओके चलिए यहां पर आगे चलते हैं। हाँ जी सेल्डम एक वर्ड था जिसका कि आंसर हम लोगों के यहाँ पे निकालना था, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे इनके पोजीशन डालते हैं, एस का पोजीशन कितना होता है 19, 5, 12, 4, 15 and 13, नेक्स्ट 13, 6, 20, 12 और 14 and 3, आपके पास ये सारा का सारा क्या है पोजीशन वैल्यू आप लोगों ने प्लेस कर दिया है। हाँ जी यहाँ पे स्नेहा का आंसर आ गया है 2, बहुत बढ़िया, आगे यहाँ पे है 16, 18, आपके पास 9, 14, 3 and 5। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले क्या हुआ, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 12 से 13 आ गया, 5 से 6 आ गया और 19 से 20 आ गया, प्लस ऑफ 1 आ गया, ठीक है, अब 13 से 12 आ गया, 15 से 14 आ गया, 4 से 3 आ गया, माइनस ऑफ 1, हाँ जी, तो आपके पास प्लस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 1 यहाँ पे लॉजिक लगा है, सीरीज को रिवर्स में यहाँ पे प्लस किया गया है, यहाँ पे माइनस किया गया है। अब आपके पास यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आगे चेक करते हैं, हाँ जी 9 से क्या आ गया है 10 आ गया है, 18 से 19 आ गया है, 16 से 17 आ गया है, तो 5 से 4 आ गया है, 3 से 2 आ गया है और 14 से 13 आ गया है। हाँ जी क्लास, तो देखिए 9 से 10 की अगर मैं बात करता हूं तो J, और 19 से S, और 17 पे Q, देन 4 पे D, आगे B और आगे M, so the answer of Sneha is right, ठीक है, जो स्नेहा ने आंसर किया था बिल्कुल सही था, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन स्नेहा का आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, स्नेहा ने जो आंसर किया है बिल्कुल सही था, बिल्कुल स्नेहा आपका आंसर जो आया था सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आया था, बाकी बच्चे भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप लोग आंसर करते चलेंगे हम आपका नाम यहाँ पे बोलते चलेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ग्रेट का कोड ये है VVBCS, अंटिल का कोड आपको बताना है। ठीक है जी क्लास। हाँ जी, तो चलिए स्नेहा जल्दी से आंसर करिए। चलिए क्लास जल्दी से आंसर आप लोग करेंगे, यहां पे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके हाँ जी सर, इसका बी सेकंड। ओके चलिए स्नेहा का आंसर फिर से आ गया, चेक करते हैं। तो अब यहां पे देखिए 20 था, 19 आ गया, क्या हुआ है माइनस ऑफ 1, 1 था 3 आ गया है, क्या हुआ है प्लस ऑफ 2, देन आ गया आपके पास माइनस ऑफ 3, देन आ गया आपके पास प्लस ऑफ 4, देन आ गया आपके पास माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो ये सीरीज है आपके पास, यहां पे 12 था, यहां पे आपके पास 11, यहां पे 2 आ जाएगा 11, यहां पे 3 माइनस हो जाएगा 17, यहां पे प्लस 4 हो जाएगा 18, यहां पे माइनस हो जाएगा 5, तो 16। 16 पे आता है P, देन R, देन Q, देन K, देन K। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं पी आर क्यू के के, ठीक है पी आर क्यू के, तो ये इसका आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आप लोग बताइए, अपोजिट का कोड ये लिखा है तो स्ट्रेट का आंसर क्या बनेगा। हाँ जी स्नेहा बोल रही है, लास्ट टाइम सर मे बी आप, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू, लास्ट टाइम आपने रीजनिंग की थी और वो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आए थे, सो आई विल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है स्नेहा, अगर आपको यहाँ पे लास्ट टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पढ़ने से मिले थे तो आई विल थैंकफुल टू यू। ठीक है, आपका भी धन्यवाद कि आप हमसे पढ़े हैं, तो ये चीज हमारे लिए भी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, चलिए क्लास, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपके पास 15 था 14 माइनस 1, 16 था 15 माइनस 1, देन 16 था 17 प्लस 1, 15 था 16 प्लस 1, 19 था 20 प्लस 1, 9 था 10 प्लस 1, और यहाँ पे 20 था 19 आपके पास माइनस वन एंड माइनस वन। तो समझ में क्या आया कि पहले दो में माइनस वन, लास्ट दो में माइनस वन, और अगलों में क्या आया है आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव।
तो यहाँ पे देखिए 19 है, 20 है, आपके पास 18, 1, 9, 7, 8 एंड 20, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस वन करेंगे, क्या आएगा आपके पास 18, 18 पे आता है R, फिर से माइनस वन करेंगे क्या आएगा S, ठीक है। लास्ट में माइनस कर लो, 8 से क्या आएगा 7 और 20 से क्या आएगा 19, अगलो में सभी में प्लस कर दो, R से क्या आ गया S, A से आ गया B, I से आ गया आपके पास J और G से आपके पास आ गया H, सो दैट इज योर फाइनल आंसर, R डबल S B J H G S लीजिए। चलिए क्लास, तो ये आपका फाइनल आंसर जो है यहां पे आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बताइए, स्टूडेंट इज रिटन एज दिस एंड ऑफिसर इज रिटन टू बी STUDENT, का कोड क्या है RRTBDLS। लेकिन ऑफिसर का कोड आपको यहां पे बताना है। चलिए क्लास, तो यहां पे देखते हैं, एस का कोड है 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20, 18, 18, 20, 2, 4, 12 और 19, ठीक है। 20 था, 19 आ गया, माइनस वन हुआ, 14 था, 12 आ गया, माइनस दो हुआ, 5 था, 4 आ गया, माइनस एक हुआ, माइनस दो हुआ, माइनस एक हुआ, माइनस दो हुआ, माइनस एक हुआ, तो सीरीज मिल गई है क्लास, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन एंड माइनस टू। चलिए यहाँ पे फिर से स्नेहा का आंसर आ चुका है, फोर्थ ऑप्शन, बहुत बढ़िया स्नेहा, थैंक यू। अब यहाँ पे फिर से था 15, 6, 6, 9, 3, 5 और 18। चलिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ना था, माइनस वन, तो माइनस वन पे क्या आएगा एन, फिर करना पड़ना था प्लस वन, एफ पे आएगा जी, माइनस वन करना पड़ेगा तो आपके पास क्या आएगा 5, 5 पे आता है ई, प्लस करना पड़ेगा जे, और फिर से माइनस करना पड़ेगा, फिर से प्लस करना पड़ेगा, फिर से माइनस करना पड़ेगा तो आपके पास आएगा क्यू। चलिए तो यहां पे चेक करते हैं, एन डी एन जी आएगा, ठीक है। अच्छा प्लस टू था, सॉरी मैंने माइनस वन कर दिया, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। यहां पे सभी पे हमने माइनस कर दिया है वन, यहां पे माइनस टू होना था, तो अगर मैं तो चार मतलब डी आ जाएगा, ठीक है। फिर छे था आपके पास, यहाँ पे नौ से सात आ जाएगा, और यहाँ पे पांच था तो दो माइनस करके तीन आ जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। फोर्थ, फोर्थ नहीं आएगा, थर्ड आएगा, पहले माइनस वन था, फिर माइनस टू था, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन, ठीक है। चलिए क्लास डन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड इज रिटन एज HVKIPH, इज रिटन एज स्कूल। चलिए क्लासेस का आंसर बताएंगे, 6, 18, 9, 5, 14, 4, 8, 22, 11, 9, 16 and 8। हाँ जी, तो यहां पे प्लस दो प्लस चार, प्लस दो प्लस चार, प्लस दो प्लस चार, मतलब हमें ये समझ में आ गया है, प्लस टू प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस टू प्लस फोर का लॉजिक यहां पे लगा है, तो 19, 3, 8, 15, 15 एंड 12, ठीक है। तो 19 में 2 ऐड किए 21, 21 पे आता है यू, आगे थे प्लस फोर, थ्री में फोर किए 7, 7 पे आता है जी, फिर से आपके पास क्या है प्लस टू प्लस फोर
plus 2 plus 4. This is your final answer, U, G, J, S, ठीक है, Q, P. A is first answer. A option is the right answer. ठीक है, A option is the right answer. बहुत अच्छी बात है बच्चे, अगर क्वांटिटी में आंसर करते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है. आपके सारे के सारे मैं यहाँ पे आंसर पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपको कर भी रहा हूँ. ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन आपके पास, अगली आपकी स्क्रीन के ऊपर. चलिए इसमें चेक करना है आपके पास, आर ए एन जे ए एन, ए आर एन जे एन ए, एफ आर ए एन सी ई. चलिए, तो अब यहां मैं बात करता हूं, आपके पास इंटरचेंज किया गया है, नथिंग एल्स. फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू को लास्ट टू को सेंटर को वैसे ही रखा गया है. तो यहां पे आर है, यहां पे एफ, यहां पे ई, यहां पे सी और ए एन. ठीक है, आर एफ ए एन ई सी. ठीक है क्लास, तो यहां पे ये आंसर है. चलिए सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे यहां पे, पोस्टपोन. पोस्टपोन इज रिटन एज ओ पी टी एस ओ पी ई एन, और आपको बताना है राजस्थान. आर ए जे ए एस टी ए एन. हाँ जी, तो यहां पे जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे. यहां पे पहले इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, नेक्स्ट इन दोनों को. ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है. क्या किया गया है, इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है. तो यहां पे ए आर A J T S N A. ठीक है, तो A R A J T S, ठीक है, N A T S N A, थर्ड ऑप्शन देख लो, A R A J T S N A. थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिए ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इसका आंसर करिए. हाँ जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर अभी तक थर्ड ऑप्शन आया है. चलिए चेक कर लेते हैं क्या आंसर है यहाँ पे. अभी इसके बाद आपकी साथ में ही साइंस की क्लास है, तो इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद डायरेक्टली समय सर आपको यहाँ पे टीच करेंगे. ठीक है, तो बी ए एन जी ए एल ओ आर ई, इसका क्या कोड है, सी जेड ओ एफ बी के पी F, ठीक है, आपको निकालना किसका है, कैलकट, कैलकटा का. चलिए तो यहां पे चेक करते हैं क्लास क्या लॉजिक है, आप लोग भी बता सकते हैं. तो यहां पे समझ में आ रहा है, B था C आ गया, माइनस वन A था, माइनस वन माइनस, यहां पे 14 था 15 आ गया प्लस वन. ठीक है, यहां पे 7 था 6 आ गया माइनस वन. ठीक है, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन
मतलब सीरीज मिली प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ये सीरीज मिली है आप लोगों को। तो यहाँ पे सी के बाद क्या था, डी आता है, और यहाँ पे जेड के पहले क्या आता है आपके पास, ए आता है। सी में क्या करना था, प्लस, आगे माइनस करना था, तो जेड फिर से क्या करना था, प्लस, फिर करना था माइनस, फिर करना था प्लस, फिर करना था माइनस, फिर करना था प्लस, फिर करना था आपके पास यहाँ पे प्लस ए के बाद बी, ठीक है, नहीं माइनस यहाँ पे जेड होगा। तो डी जेड एम, डी जेड एम यहां तक तो सेम चल रहा है सभी में। आगे है बी बी एस, बी 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 यू आ गया, बी 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 गलत। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं बी डी जेड एम बी बी एस, ये भी गलत, तो आंसर सीधा दे दिया जाएगा आपके पास नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसा भी आंसर आपके पास आ सकता है, ठीक है। चलिए क्लास, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब समर सर आपके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आइए सर कंटिन्यू करिए, लीजिए क्लास। तो अभी आपकी जो क्लास है वो समर सर कंटिन्यू कर रहे हैं, साइंस यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो जिस प्यार के साथ आप मेरे साथ जुड़े थे उसे डबल प्यार से समर साहब के साथ सर के साथ जुड़िएगा। ओके जी, थैंक यू। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू गैन। प्लीज शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन यील्ड बेटर रिजल्ट फ्रॉम दिस सेशन। सो जस्ट लेट मी ओपन द पीपीटी एंड जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। टिल दैट प्लीज लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। Just give me a few seconds. Okay, just let me know whether I am audible and visible properly or not. If everything is fine, just comment yes or just show your thumbs up. Okay, so if I am audible and visible properly, please give your response so that we can continue. Please show thumbs up or say yes in the comments if I am audible and visible properly. I am waiting for your response. Okay, thank you. So we will continue our series of questions. So we in last some lectures, what we have done, we have taken a question, and out of that question we try to understand the whole concept behind that question, so that whenever from that concept there will be any question in exam, you will be solving it without any problem.
Okay, so the probability of same question coming in any exam is very, I must say, low, but the probability of question being asked from the same concept is very high. That's why we are doing concept, we are understanding, we are trying to understand concept first, and that's why we are daily, on daily basis, we are trying to solve one or two questions, and from that question we are actually grasping our concepts. Okay, so we have done all these questions. So let me find today's question. Okay, so here we are having today's question. So the question is, the process of heating ore in absence of oxygen is called process of heating any ore in presence of, in absence of oxygen is called, is it calcination, is it roasting, is it smelting, or is it none of these? So just give me the answer if you are aware about this, otherwise we will discuss this whole topic, and this topic is metallurgy. ये जो topic है ये metallurgy का topic है. We will discuss this topic in detail. But first of all, just let me know, भैया आपको अगर answer पता है तो just comment it down. So अगर आपको नहीं पता है just let me know it as well, because इसके बाद हम लोग metallurgy को यहाँ पे discuss करने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग मेटलर्जी को डिस्कस करने वाले हैं. जस्ट गिव मी सम रिस्पांस वेदर यू नो दिस आंसर और नॉट. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस देन इट इज ओके. वी विल डिस्कस ऑल दीस टर्म्स एंड मेटलर्जी. ओके, सो हियर आई एम हैविंग अ रिस्पांस फ्रॉम स्नेहा. स्नेहा सेड बी. आई गेस इट वाज अ रफ गेस बिकॉज the answer was A, calcination. Now let's discuss this topic. After that you will be knowing which process is what and what is what. Okay, sabse pehle just mention some metals in your comments. Kuch metals jo hain aap log comment mein batayenge, main yahan pe likhunga aapko. Theek hai, it is an exercise for you sir. फटाफट से क्या करेंगे, एक 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 बार क्या करेंगे, कुछ metals के नाम यहाँ पे आप लोग मुझे लिख के भेजेंगे. ठीक है, कुछ metals जो आपको पता है metals के बारे में. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड मेटल अर्लियर. मेटल्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में किसी में देखा था. ठीक है, तो आज मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ मेटल्स के नाम बताएंगे मुझे एक एक करके. Just type some names, a few names, a few symbols of metal so that I can write them over the board. Sneha, just try to give me some names of metal. Metals के कुछ नाम बताएंगे यहाँ पे. मेटल कुछ मेटल्स के नाम बताएंगे फटाफट से. देखो, वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, ओके, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम. ठीक है, आफ्टर दैट वी आर हैविंग अल्युमिनियम, राइट, वी आर हैविंग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, राइट, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मर्करी, राइट, वी आर हैविंग दिस मच. अभी देखो और भी इसमें मेटल्स हैं यहाँ पे. ठीक है ना, और कौन कौन से मेटल्स हैं यहाँ पे, जस्ट गिव मी सेकंड. ओके, जस्ट लेट मी एनलार्ज द बोर्ड. ओके, नाउ वी आर हैविंग सम अनदर मेटल्स एज वेल. येट्रियम, नबेडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, रोडियम, प्लैटिनम, ठीक है, सिल्वर, राइट, गोल्ड. देखो, वी आर हैविंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ मेटल्स. इससे भी ज्यादा कुछ और भी मेटल्स है, टंगस्टन, ठीक है,
ये हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, ये क्या है सारे हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर मैं कहूँ कि चलो आपको मैं कह दूँ कि आप आज से क्या करो कुछ हजार साल पहले चले जाओ, तो आपको कौन से मेटल देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आप 3000 साल पहले जंगलों में चले गए, आपको इनमें से कौन से मेटल देखने को मिलेंगे। पुनीता कमेंटेड कॉपर आयरन एल्युमिनियम हमने सारे लिख लिए, ठीक है। स्नेहा ने कहा यहाँ पे आयरन हमने लिख लिया, स्नेहा ने कहा सिल्वर गोल्ड हमने सारे लिख लिए। अगर मैं कहूँ 3000 साल पहले चले जाओ या मैं आपको किसी जंगल में भेज दूँ, वहां पे आपको इनमें से कौन से मेटल मिल सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। सोच के कि अगर मैं आपको कहीं भेज दूँ जंगल वंगल में, ठीक है, अभी तो हम मेटल से घिरे पड़े हुए हैं, इधर देखेंगे जहां भी देखेंगे मेटल ही मेटल दिखेगा हमें ना, तो आपको कौन सा मेटल देखने को मिलेंगे फटाफट से बताएंगे, कौन से मेटल देखने को मिलेंगे आप लोगों को। आप लोगों को अगर मैं 3000 साल पहले कहीं भेज दूं या फिर जंगल में कहीं भेज दूं, तो आपको इनमें से कौन से मेटल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी जंगल में जाते हो जहाँ पे इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, और अभी तक कभी इंसान यहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 मेटल्स मिलेंगे, जो हमारे पास कौन कौन से होने वाले हैं, जो आपके पास होने वाले हैं, एक तो गोल्ड और दूसरा प्लैटिनम। बिकॉज पूरे के पूरे मेटल्स में सिर्फ यही 2 मेटल है जो अपनी नेटिव स्टेट में नेचर में हम देखते हैं फ्रीली अपनी नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों ही बहुत ज्यादा रेयर हैं। अदरवाइज आपको बाकी जितने भी ये मेटल्स हैं और बाकी जो बचे भी हैं कुछ, वो जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स आपको नेचर में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, अपनी प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे, होंगे तो वहीं लेकिन अपनी प्योर स्टेट में नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे, तो ये भैया मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब मिनरल्स क्या होते हैं, तो भैया मिनरल्स होते हैं किसी भी मेटल की कार्बोनेट्स, किसी भी मेटल के क्लोराइड्स, किसी भी मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है, किसी भी मेटल के सल्फोनाइड्स, ठीक है, किसी भी मेटल के साथ हम देखते हैं ये सारी चीजें लगी होंगी पीछे, ठीक है, ये सारी चीजें लगी होंगी पीछे, ठीक है, कैल्साइट्स होगी, और भी एग्जांपल है लेकिन इस तरीके की चीजें उनके पीछे लगी होंगी, ठीक है, और इन वजहों से वो मिनरल्स बना के बैठे होंगे। और वो जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होंगी, रॉक्स की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो भैया नेचर में मेटल कहाँ पे होते हैं, रॉक्स की फॉर्म में, पत्थरों के चट्टानों की फॉर्म में आप लोगों को मेटल सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रॉक है ये तो हमारे काम के है नहीं, अब इन रॉक से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेटल। तो भैया अब किसी भी मिनरल को अगर हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस से इसको क्या करेंगे, गुजारेंगे, निकालेंगे, तब जाके ये सारी चीजें मेटल से अलग हो जाएंगी और हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। और इस प्रोसेस को, जो ये बीच में प्रोसेस आया ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटलर्जी, जिसके बारे में आज हम थोड़ा कर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जनरली यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई तो फटाफट एक बार थम्स अप दे देंगे, उसके बाद आगे हम लोग इसको वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, अब देखेंगे यहाँ पे ये है हमारे पास एक मिनरल। मिनरल भी जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहले मिनरल्स की बात करें तो इनको 2 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। एक को कहते हैं भैया पुअर मिनरल्स और एक को कहते हैं रिच मिनरल्स। अब रिच मिनरल्स ऐसी रॉक्स होती हैं जिनमें मेटल का जो हम देखते हैं परसेंटेज होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी ज्यादा होता है, और पुअर में हम देखते हैं मेटल की परसेंटेज कम है और बाकी जो वेस्ट है उसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो जो रिच मिनरल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनको जो इकोनॉमिकली, ठीक हो, जिनको इकोनॉमी के हिसाब से भी देखना पड़ेगा ना, ऐसा ना हो कि 10 रुपए लग रहे हैं एक प्रोसेस में जिसमें हम लोग 1 kg मिनरल को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसमें से हमें 10 ग्राम मेटल भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वैल्यू हम देखते हैं 4-5 रुपए भी नहीं होगी। तो हम देखते हैं इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो हम तो टोटल लॉस में गए, है ना।
तो हम देखते हैं कि जो रिच मिनरल्स हैं, जिनसे हम देखते हैं कि इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन मिनरल्स को हम लोग कहते हैं ओर्स। उनको क्या कहते हैं हम लोग? ओर्स, मेटल के ओर्स कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो जो कॉमन सोल्ट है वो सोडियम का ओर हो गया, सोडियम का मिनरल हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है। हैमेटाइट की बात करें तो ये आयरन का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर ये बात पता चल गई है तो फटाफट से एक बार थम्स अप दे देंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। ओर्स तक हम पहुंच चुके हैं, ओर से मेटल की तरफ हमने जाना है। ओर से किस तरफ जाना है? मेटल की तरफ हमने जाना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर एक बार थम्स अप दे दोगे तो मतलब आप लोगों को यहां तक पता चल गया और आगे आप लोगों को बताना है। जस्ट मेंशन अ थम्स अप पुनीता नेहा, ताकि मैं आप लोगों को इसके आगे अब बता सकूं। We are bringing free videos for you, so it is your duty to encourage us, and for that, for encouraging and inspiring us, just keep interacting with us, right? Keep responding to us. यहाँ पे हमने बात करी इसकी ओर्स की। अब आगे देखते हैं, अब ये जो ओर्स होती है ना, ठीक है, अब मान लो ये ओर क्या होगी, इट इज अ बेसिकली अ रॉक, इसमें बहुत सारा क्या होगा, मेटल होगा, और मेटल के अलावा हम देखते हैं बहुत सारी बाकी चीजें भी होंगी, जैसे धूल हो गई, मिट्टी हो गई, ठीक है, और बाकी ये एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? गेंग, और मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? गेंग, ठीक है। अभी देखो ये बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं क्या कहेंगे? गेंग। सबसे पहले प्रोसेसिंग में अब मेटलर्जी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, इससे हमने मेटल निकालना है, तो सबसे पहले गेंग को हम क्या करेंगे? साफ करेंगे। तो गेंग को साफ करने के लिए इसके ऊपर हम लोग एक केमिकल सॉल्यूशन डालेंगे या किसी केमिकल के साथ इनको ट्रीट करेंगे। कई बार तो हमें सिर्फ वाटर की जरूरत पड़ती है, बाकी कोई एक्स्ट्रा केमिकल की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कई केमिकल रिएजेंट हमें चाहिए, और भैया उस रिएजेंट को हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, क्या कह देते हैं? फ्लक्स। क्या कह देते हैं? फ्लक्स कह देते हैं उसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने डाल दिया फ्लक्स किसके ऊपर? गैंग के ऊपर। और अब हमारे पास क्या बन गया? गैंग प्लस फ्लक्स। अब ये अलग हो जाता है, गैंग और फ्लक्स अलग हो गया, और हमारे पास यहाँ पे ये आ गया हमारे पास ओर, ठीक है। और ये गैंग और फ्लक्स जो है, जो अलग हुआ है हमारे पास, ठीक है, गैंग और ये फ्लक्स जो है, ये जो अलग हुआ है, इसे हम लोग अब यहाँ पे कह देंगे स्लैग। क्या कह देंगे? स्लैग कह देंगे इसको, इसको मिलाया हुए इसको क्या कहेंगे? स्लैग। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? स्लैग आ गया। तो एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, ठीक है, कि भैया इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, या सम डस्ट लाइक इम्प्योरिटीज और आउटर इम्प्योरिटीज ऑन एनी ओर इज नोन एज, भैया इट इज नोन एज गैंग। एंड वी व्हेन वी इन ऑर्डर टू, हम जब कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू रिमूव दैट इम्प्योरिटी और गैंग, ठीक है, देयर इज अ केमिकल एजेंट दैट इज एडेड टू गैंग, व्हाट वी कॉल इट? We call it flux. Then they can, all examiner may also can ask you ki what is the solution of gang and flux known as? It is what? It is slag. It is what? Slag. Ab slag ke baad hum dekhte hain, we are having this ore. Ab ye hamare paas pure ore aa chuka hai. Ab is pure ore ke saath humne aage process karna hai, isko aage process karna hai. Now this is ore. Ye hamare paas ore aa gaya. अब इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हीट करते हैं ताकि मेटल जो हो वो अलग हो जाए और बाकी जो इसके कैल्साइट्स हैं, ठीक है, इसके कार्बोनेट्स हैं, इसके जो हमारे पास क्या है, सल्फोनेट्स हैं, इसके जो नाइट्रेट्स हैं, इसके जो ऑक्साइड्स हैं, वो सारी की सारी क्या करें, एज गैसेस बन के वो सारे के सारे निकल जाए और मेटल हमारे पास पीछे बच जाए। तो अब इसमें क्या बचा? हीटिंग बचा, ठीक है। तो हम तीन तरीके से यहाँ पे हीटिंग कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा हमारे पास ओर है, ठीक है। एक तो हमने हीटिंग करी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद क्या मिल गया? मेटल मिल गया, ठीक है, प्योर मेटल मिल गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्ट करना, इसे कहते हैं हम लोग रोस्टिंग, ठीक है। दूसरा क्या आ गया अपने पास? दूसरा हमने क्या करा? हीटिंग करी,
बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करी, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में करी, तो यहां पे भी हमें क्या मिल गया, मेटल मिल गया। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कह डालेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कह डालेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, ऊपर वाला आ गया रोस्टिंग और नीचे वाला क्या आ गया हमारे पास, कैल्सिनेशन। ठीक है, ऊपर वाला रोस्टिंग और नीचे वाला क्या आ गया हमारे पास, कैल्सिनेशन। ठीक है, फटाफट से बता देंगे, लग गया आप लोगों को पता। और इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है, वो अगर मान लो ये जो ओर है ये ऑक्साइड है, लेट अस सपोज दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, कोई भी ऑक्साइड है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका जो ओर है उसमें ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है कोई भी मेटल, तो उस प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं, एक नया प्रोसेस यूज करते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसका नाम हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। और स्मेल्टिंग में क्या होता है, स्मेल्टिंग में हम लोग यहाँ पे इसको रिड्यूस करते हैं, इसकी रिडक्शन करते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रेजेंस में इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, मेटल मिल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, स्मेल्टिंग। ठीक है, तो स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिड्यूस ओर इन ऑर्डर टू गेट मेटल एंड एज अ रिजल्ट वी गेट प्योर मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट्स। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट रोस्टिंग, so roasting is the process in which we heat ore to get in order to get metal in presence of oxygen or in excess of oxygen. If we talk about calcination, then it is a process in which we heat ore in order to get pure metal in absence of oxygen. If we have taken oxygen or we have been doing the whole process in presence of oxygen, then the process is roasting, and if oxygen is absent throughout the process, then the process is calcination. Okay, please do interact with us, otherwise there will be no point of good afternoon Tarun. So just let me know, have you understood roasting, smelting, calcination, slag, flux, and again, if everything is fine, just mention okay. Okay, so here we are back on this question. So now, give me the answer. The question is in front of you. And the question is, when the process of heating of ore in absence of oxygen is called, is it calcination, is it roasting, is it smelting, or none of these? Now, give me the answer. On the basis of explanation that I have given to you, just try to give me the answer. What will be the answer? फटाफट से जवाब देंगे. तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि what is calcination? It is heating up of ore. ठीक है? ओर को जब हमने क्या कर दिया? Heat कर दिया to get what? To get metal. But in absence of oxygen. ठीक है? This will be the answer. Roasting क्या हो गया? Ore. ठीक है? ओर को हमने क्या कर दिया? Heat in presence of oxygen. और इसमें क्या मिला हमें? मेटल मिला. और स्मेल्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? ओर को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन कर दी इसकी इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कार्बन. तो हमें क्या मिल गया? मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये लग गया होगा आप लोगों को. तरुण, स्नेहा, पुनीता, जस्ट मेंशन इट इन कमेंट्स व्हेदर दिस इज क्लियर और नॉट.
whether it is clear or not. Okay, let's come to the next question. Okay, which of the following convert chemical energy into electrical energy? तो यहाँ पे भैया बात आ गई है किसकी, electrolysis की या electrochemistry की, ठीक है? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले what is electrolysis, ठीक है? Let us suppose we are having any कोई भी चीज़ है हमारे पास, अगर वो molten state में, अपनी molten state में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है, करंट को पास कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि इट इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, अगर कोई भी हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, लेट अस सपोज कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, जब उसको मोल्ड करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास आयंस है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है NaCl, तो इसकी molten state में it will become Na positive and Cl negative, ठीक है, it will become an electrolyte. अब ये क्या करेगा, electrolyte क्या करेगा, ये भैया अपनी molten state में current को electricity को pass करेगा, because it is good conductor of electricity, right? तो अब हम बात करते हैं electrolytes की, तो electrolytes भी दो तरह के होते हैं, strong electrolyte और weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे HCl, ये फुली डिसोसिएट हो जाते हैं, जितने मोल्स हैं इनके उतने ही मोल्स इनके डिसोसिएट हो जाएंगे. और वीक इलेक्ट्रोलाइट में यू आर हैविंग एग्जांपल ऑफ CH3 COOH. तो लेट अस एग्जांपल टेक अस एग्जांपल कि यहां पे मान लो 10 मोल आपके पास है, तो 10 में से 3-4 मोल ही आपके लिए अब आसानी से जब उनको पानी में घोलेंगे या इनको मोल्ड करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे. तो दैट्स व्हाई दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड जो अच्छे खासे 9 टू 10 मोल्स तक हम देखते हैं, 10 मोल्स पूरे हमने से ये लिया इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, और उसमें से हम देखते हैं कि इसकी डिसोसिएशन जो थी, आयंस की डिसोसिएशन जो थी 8 या 10 मोल्स की, 8 या 9 मोल्स की, 8 या 7 मोल्स की, जो इसमें आयंस वो डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट. अब इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या करते हैं हम लोग, यहां पे कुछ और टर्म्स लेते हैं, यहां पे बात करते हैं सेल की. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक को कहते हैं एनोड. अब जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है बैटरी के, और एक होता है कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, ये चीज़ याद रखनी है. अब एनोड में क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड में क्या होती है आपके पास, रिडक्शन होती है, ठीक है. सॉरी, कैथोड पे ऑक्सीडेशन और एनोड पे हमारे पास रिडक्शन, ठीक है. और हम देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है, अब यहां से हमारे पास डिफरेंट सेल्स आते हैं, ठीक है. तो हम देखते हैं यहाँ पे सेल्स के बारे में देखते हैं थोड़ा. अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके. किसकी बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सेल. अब इसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है, सॉरी, केमिकल इस सेल में हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं. और जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं एक के बाद एक, तो हमारे पास क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है. जब फ्यूल सेल की बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में. और हम देखते हैं इसमें हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल का भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन फ्यूल का भी यूज कर सकते हैं. इसमें भी हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं. किसमें, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना रहे होते हैं यहाँ पे, सॉरी, केमिकल एनर्जी से क्या बना रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे होते हैं. जबकि बात करें हम लोग इसकी
इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया है ना, या किसी और तरह की रिएक्शन होगी इसी तरह की, ठीक है? तो इट इज टोटली ऑपोजिट, तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ द केमिकल्स, तो किंग ऑफ केमिकल्स बताएंगे यहाँ पे। और साथ में एक और चीज मुझे कमेंट करके, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं, किंग ऑफ केमिकल्स इनमें से कौन है? प्लस एक्वा रिजिया, ये क्या होता है? एक्वा रिजिया में कौन कौन से एसिड्स होते हैं? प्लस हमने मेटल्स की बात करी थी, तो ये बताएंगे कि भैया विच वन, विच मेटल वॉज द फर्स्ट दैट वॉज यूज बाय ह्यूमंस, इंसान ने पहला मेटल्स कौन सा तलाशा था और उसको इस्तेमाल करा था, वो कौन सा था, ये भी कमेंट करके बताएंगे। तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। तरुण, स्नेहा, प्लीज मेंशन इट इन कमेंट्स। तो यहाँ पे जो किंग ऑफ द केमिकल्स का खिताब मिला है वो किसको मिला है? सल्फ्यूरिक एसिड को, ना बोरिक एसिड को, ना ऑक्सैलिक एसिड को, किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को, जो H2SO4 होता है उसको हम लोग किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहते हैं, ये किंग ऑफ द एसिड भी कहते हैं। दूसरी टर्म मैंने यहाँ पे एक्वा रिजिया का नाम दिया था, दैट इज HCl एंड HNO3। अब ये गोल्ड तक को अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है, इसे कहते हैं एक्वा रिजिया। और जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि भैया ऐसा कौन सा मेटल है जो क्या करता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे पहले इंसानों ने ढूंढा था और उसको यूज करा था, तो वो कौन सा मेटल है? वो है कॉपर, ठीक है? कौन सा मेटल है? वो कॉपर मेटल है, ठीक है? Now, here, there is another question for you. Just mention it in your comments that, अब भैया ये बताएंगे कि अलोय क्या होता है, व्हाट इज अलोय, ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? फटाफट से कमेंट करेंगे कि व्हाट इज अलोय, ओके? Just give me one second till that. Till the time, please comment what is alloy. Okay, so what I have asked you, ki what is a alloy? So alloy is what? Alloy is mixture of what? Alloy is mixture of metals. ठीक है? Alloy is mixture of one or sorry, alloy is mixture of two or more than two metals. ठीक है? For example, यहाँ पे brass है, bronze है, gun metal हो गया, ठीक है? तो ये जितने भी हैं, ये क्या हो गए हमारे पास? Alloy. और alloys में भी एक trick मैं आपको और देता हूँ, यहाँ से आपको exam में 100% question बनेगा. ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये आएगा ही आएगा। जो अमलगम्स होते हैं मरकरी के साथ, जब हम किसी भी मेटल को मिक्स करते हैं उसके बाद जो हमारे पास अलोए आएगा, उस अलोए को हम लोग अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, ठीक है? तो उस अलोए को हम क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे, ठीक है? सो दिस वॉज इट। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस session with your friends. Okay, here we are having last question. Okay, here we are having last question of the session. Which property of the metal is used for making belts and strings
of the musical instruments like sitar and violin. ठीक है, bells हो गई, strings हो गई, sitar और violin में जो हम देखते हैं metal use होते हैं, है ना, किस property की वजह से हम देखते हैं वो use होते हैं. ठीक है, तो metals की बहुत सारी property होती हैं. अगर बात करें conductivity की, तो metal जो होते हैं वो heat और electricity को अपने एक end से लेके दूसरे end तक आसानी से conduct कर देते हैं because of presence of free electron on the surface of that metal. Okay, so that is property of conductivity. If I talk about ductility, तो मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि metals को हम लोग ducts में convert कर सकते हैं, खींच खींच के, तान तान के, वो इतने flexible होते हैं कि उनकी तारे, उनके ducts बनाए जा सकते हैं. Okay? उसके बाद if I talk about malleability, तो metals जो हैं, उनको हम लोग पीट पीट के उनको sheets में convert कर सकते हैं. All metal have this property of malleability, and malleable things are those to whom we can convert them in sheets, right? So malleability की property भी होती है, ductility की भी और conductivity की भी, but इन सारी properties के वजह से हम देखते हैं इन properties का कोई लेना देना नहीं है instruments के साथ. तो जो property है जो instruments में हम देखते हैं use होती है music instruments में, सबसे important क्या होती है यहाँ पे, melody. melody किससे आती है? sound से. ठीक है, साउंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है. तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन सारे मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है, साउंड मेकिंग प्रॉपर्टी. वो जो साउंड मेकिंग प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं सोनरस प्रॉपर्टी. जितने भी मेटल हैं अगर आप उनको पीटोगे तो वो आवाज करेंगे, टिन टिन कुछ भी ऐसी आवाज करेंगे. ठीक है, तो वो मेटल्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सोनरस नेचर मेटल्स का होता है, और सोनरस प्रॉपर्टी मेटल की होती है. ठीक है, अंडरस्टूड? Okay, so this was it for today. मिलेंगे अगले session में कुछ अगले questions के साथ, कुछ अगले concepts के साथ. तब तक के लिए अलविदा. I wish you very good luck for your upcoming exams. Have a very good time. जय हिंद, जय भारत.